आज हम करने जा रहे हैं WWE क्राउन जॉल 2023 की प्रेडिक्शंस। कौन जीतेगा, कौन हारेगा देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो चलिए वीडियो शुरू करता है। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नए काम फटाफट कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। WWE क्राउन जॉल 2023 सऊदी में होने वाला, जो कि WWE हर साल सऊदी अरब में पे पर व्यू कराती है और वहां का क्राउन जॉल काफी पॉपुलर पीपीवी है और उसके अंदर WWE ने कई सारे अच्छे मैचेस बुक किए। तो हम शुरुआत करते हैं पहले मैच की तरफ एंड वो होने वाले किक ऑफ में सैमी ज़ेन वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड के बीच एक सिंगल्स मैच। तो सैमी ज़ेन एक तरह से जजमेंट डे से काफी ज्यादा टाइम से लड़ रहे हैं, यहाँ पर परेशान हो चुके हैं जजमेंट डे से एंड फाइनली इनका मैच यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड के अगेंस्ट है। यहाँ पर सैमी ज़ेन काफी लंबे टाइम से बैटल कर रहे हैं अगेंस्ट जजमेंट डे। दोनों का मैच होने वाला है यहाँ पर किक ऑफ में सऊदी अरब के इवेंट में। लेकिन हम बात करी जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर मिरर मैं बता देता हूँ, वो हो सकते हैं सैमी ज़ेन, वो हरा देंगे जेडी मैकडोनाल्ड को। अगर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, जेडी मैकडोनाल्ड भी हरा सकते हैं। ये तो सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन है सैमी ज़ेन की, मेरा विनर है सैमी ज़ेन। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलेगी WWE वुमेन चैंपियनशिप मैच, जिसके अंदर लियो स्काय को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट बैन का बेलर, जो कि अपना रिटर्न किया उन्होंने और फोकस कर रही है अभी मेन उनके टाइटल के ऊपर। समर स्लैम में उन्होंने शार्लेट फ्लेयर एंड ऑस्का के अगेंस्ट बैन का बेलर ने अपना टाइटल को कैप्चर किया था और वहां पर जो है लियो स्काय ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके वहां पर वो बन गई थी WWE वुमेन चैंपियन। एंड यहाँ पर अब जाके इनका मैच होने वाला है, तो यहाँ पर मैच काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, देखने को तो मजा आएगा। सऊदी अरब में पहले वुमेन्स का मैच होता नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब जाके WWE ने अप्रोच किया था सऊदी को, यहाँ पर उन्होंने मैच रखा है। लगभग अभी एक दो पेपर व्यू से हमें मैच देखने को मिल रहे हैं सऊदी में इनके। लेकिन बात कर जाए विमेंस के मैच में कौन जीतने वाला है बियांका बेलर एंड लियो स्काय में से, तो देखो बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी प्रेडिक्शन बता देता हूँ, वो होने वाले हैं वो रहेंगी लियो स्काय। कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वो रिटेन कर लेंगी लियो स्काय अपने टाइटल को। अगर लियो स्काय के लिए कोई प्लान्स होते WWE में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लियो स्काय को जिताएगी WWE। लेकिन यहाँ पर मेरा प्रिडिक्शन है वो है लियो स्काय एंड वो हरा देंगी बियांका बेलर को, स्टिल रहेंगी WWE वुमेन चैंपियन लियो स्काय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो हमें देखने को मिलने वाली है जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच एक सिंगल्स मैच। तो जैसे कि आपको पता है कि जॉन सीना ने रिटर्न किया था, यहाँ पर उनका कॉन्फ्रंटेशन ब्लड लाइन के साथ हुआ था और वहाँ पर कहीं ना कहीं से यहाँ पर जॉन सीना इन स्टोरी लाइन में भी काफ़ी लंबे टाइम से इन्वॉल्व है ब्लड लाइन के। एंड यहाँ पर जॉन सीना एंड सोलो सिकोवा का फेस ऑफ भी हुआ था एंड यहाँ पर तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। यहाँ पर क्राउन जॉल में जॉन सीना वर्सेज सोलो सिकोवा के बीच एक सिंगल्स मैच भी रखा गया है। मैच काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, देखने को तो मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जॉन सीना होने वाले और अगेंस्ट किस के साथ सोलो सिकोवा, तो यहाँ पर मैच काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। सोलो सिकोवा पेपर व्यू में 1-on-1 लड़ने वाले हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद और यहाँ पर मुझे लगता है कि जॉन सीना उनके लिए कई बड़े ओपोनेंट हो साबित हो सकते हैं। लेकिन बात करी जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर देखो सोलो सिकोवा अभी देखो यहाँ पर जो फिलहाल है जो कि नए टैलेंट हैं, जॉन सीना तो देखो काफ़ी लंबे टाइम से है, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि पुश तो यहाँ पर दोनों सुपरस्टार को मिल रहा है, यहाँ पर सोलो सिकोवा को ब्लड लाइन में, जॉन सीना को तो पुश मिल ही रहा है क्योंकि वो कंपनी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में सोलो सिकोवा हरा सकते हैं जॉन सीना को और ये कहीं ना कहीं से मुझे चीज़ें होते हुए नजर आ सकती है कि ऑड्स भी है जो कि इनके पक्ष में जा रहे हैं सोलो सिकोवा के। तो यहाँ पर मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पर सोलो सिकोवा जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर इनका मैच रखा गया है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यहाँ पर जॉन सीना को हरा दे सोलो सिकोवा, क्योंकि आने वाले टाइम पर सोलो सिकोवा का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रख रहा है WWE में। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जॉन सीना को ज़रूर हरा सकते हैं सोलो सिकोवा एंड मैं अपना विनर पिक करूँगा सोलो सिकोवा हरा देंगे जॉन सीना को। लेकिन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जॉन सीना भी हरा सकते हैं सोलो सिकोवा को या WWE, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नेवर से नेवर वाली चीज़ें अप्लाई होती है। यहाँ पर मेरा विनर है यहाँ पर वो रहेंगे सोलो सिकोवा एंड वो हरा देंगे जॉन सीना को तभी भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है सिंगल्स मैच, जो कि होगी कोडी रोड्स वर्सेस डायमंड प्रीस्ट के बीच एक सिंगल्स मैच। तो जैसे कि हमने कुछ हफ्ते पहले मंडे नाइट रॉ में देखा था कि यहाँ पर जो मैच हुआ था जिसके अंदर जिमी उसो के इंटरफेरेंस की वजह से कोडी रोड्स और जे उसो को अपने टाइटल्स गंवाने पड़े फिर से अगेंस्ट जजमेंट डे। एंड यहाँ पर जो इनकी राइवलरी अभी स्टिल चल रही है जजमेंट डे एंड कोडी रोड्स एंड जे उसो की, तो यहाँ पर इनका मैच भी फिक्स हो चुका है इसीलिए कोडी रोड्स वर्सेज डायमंड प्रीस्ट का, क्योंकि यहाँ पर जो है डायमंड प्रीस्ट ने जे उसो को हरा दिया था और कहीं ना कहीं से ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी से ब्लड लाइन भी कनेक्टेड है एंड जजमेंट डे भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर सिमिलरिटीज बनते हैं। तो कभी ब्लड लाइन के मेंबर हमें मंडे नाइट रॉ में आते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर कभी जजमेंट डे के, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर विनर मैं बता दूँ तो इस मैच में कोडी रोड्स हरा देंगे डायमंड प्रीस्ट को
एक सिंगल्स मैच के यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर इस मैच के विजेता रहेंगे वो रहेंगे कोडी रोड्स एंड वो हरा देंगे डायमंड प्रीस्ट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच जिसके अंदर रेम स्टूडियो को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट लॉगन पॉल। तो यहाँ पर एक तरह से लॉगन पॉल ने चैलेंज दे दिया था रेम स्टूडियो को यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। इनका मैच तो सोशल मीडिया पर ही मतलब एक तरह से यहाँ टीज हो चुका था क्योंकि सोशल मीडिया पर इनकी बसल चल रही थी और यहाँ पर जो है अब चैलेंज मिल गया और इनका मैच भी फिक्स हो चुका है। लॉगन पॉल वो सुपरस्टार है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे पिछले साल क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस को हरा कर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ पर तो वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अब मौका है लॉगन पॉल का अपने आप को प्रूफ करने का क्राउन ज्वेल में। फिर से एक बार उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट द 619 रेम स्टूडियो के अगेंस्ट जो कि लेजेंड सुपरस्टार है। यहाँ पर तो मैच को देखने को तो मज़ा आएगा क्योंकि दोनों भी हाई फ्लाइंग मूव्स परफॉर्म करते एक तरह से। तो यहाँ पर मूव्स तो क्या हम कह सकते हैं कि पैसा वसूल मैच होने वाला है, लेकिन डायरेक्टली इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये मैच तो देखो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर के ही बारे में बता देता हूँ तो वो होने वाले हैं काफ़ी शौक हो जाओगे सुनकर। यहाँ पर मुझे लगता है कि लॉगन पॉल हरा देंगे रेम स्टूडियो का एंड बन जाएंगे वहाँ पर न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन क्योंकि अब बारी है जीतने की चैंपियनशिप लॉगन पॉल की क्योंकि पिछले साल जो वो जीत नहीं पाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस साल क्राउन जॉल में जरूर वो हरा देंगे रेम स्टूडियो का एंड बन जाएंगे वहाँ पर न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। तो चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जिसके अंदर रिया रिपली को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट सुपरस्टार्स के बारे में पता। तो रिया रिपली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस शेना ब्लेजर वर्सेस जो स्टार्क वर्सेस रकी रॉड्रिग्स यहाँ पर फाइटल फाइव वे मैच होने वाला है WWE विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पिछले कुछ टाइम पहले कि यहाँ पर विमेंस का मैच नहीं होता था लेकिन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फाइटल फाइव वे मैच WWE ने अनाउंस कर दी यहाँ पर सऊदी अरेबिया के इवेंट में। एक से बढ़कर एक विमेंस सुपरस्टार होने वाली इस मैच में, देखने को तो मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर रेक्यूल होने वाली है, जोई स्टार्क होने वाली है, यहाँ पर नाया जैक्स होने वाली है, शेना ब्लेजर भी होने वाले। एक तरह से यहाँ पर एक से बढ़कर एक WWE सुपरस्टार है, मैच देखने को तो मज़ा आने वाला ही है। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की तो यहाँ पर देखो विनर में आपको अपने हिसाब से बताता था कि विनर कौन हो सकता है। तो देखो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रिया रिपली का जो कि अपना टाइटल रिटेन कर सकती है। अगर वो रिटेन नहीं कर पाए तो दूसरा चांस बनता है रेक्यूल का और तीसरा बनता है नाया जैक्स का और चौथा चांस बनता है शेना ब्लेजर का और पांचवा चांस बनता है सुई स्टार का। तो ये पांच सुपरस्टार में से कोई एक जीत सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस रिया रिपली या फिर रकूल का हो सकता है मैच चैंपियनशिप जीतने की। या फिर रिया रिपली रिटेन कर लेंगी या फिर रकूल जीत सकती है चैंपियनशिप एंड बन सकती है न्यू WWE विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो मेरा विनर रहेगा रिया रिपली, स्टिल रहेंगी WWE विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ एंड वो होने वाली है WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। तो यहाँ पर जिसे कि आपको बताया कि सेथ रॉलिंस को अपना टाइटल डिफेंड करना है अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर द स्कॉटिश वॉरियर। तो विजनरी सेथ रॉलिंस के पास एक बड़ा टास्क होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगेंस्ट उनके होने वाला है द ड्रू मैकइंटायर जो कि काफी टाइम पहले वो ब्रॉक लेसनर को हरा चुके हैं और बन चुके थे WWE वर्ल्ड चैंपियन एंड वो सेथ रॉलिंस को भी पिछले टाइम पर हरा चुके हैं। जब भी वो WWE वर्ल्ड चैंपियन थे वो सेथ रॉलिंस को भी हरा चुके हैं। तो कई मैच काफी टक्कर का होने वाला, एक तरह से जजमेंट डे भी यहाँ पर इन्वॉल्व है क्योंकि जजमेंट डे तो अभी पूरे WWE के साथ ही यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो इनकी मदद करने भी आई थी रिया रिपली ड्रू मैकइंटायर, तो यहाँ पर रिया रिपली भी इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में जरूर जजमेंट डे भी आ सकती है यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर की मदद करने, लेकिन हो सकता है कि उनकी मदद ड्रू मैकइंटायर के ऊपर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर उन्हीं के वजह से हार सकते हैं इस मैच को। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस मैच में स्टिल अपने टाइटल रिटेन कर लेंगे सेथ रॉलिंस एंड वो हरा देंगे द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर को, वो हरा देंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस द विजनरी। लेकिन ये यहाँ पर WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कैश इन भी हो सकता है डायमंड प्रीस्ट का एंड वहाँ पर डायमंड प्रीस्ट भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकता है अगर वो कैश इन कर लेते तो। तो यहाँ पर क्राउन ज्वेल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्राउन ज्वेल काफ़ी सरप्राइजिंग होता है और सऊदी में होता है तो जरूर बड़ा पेपर व्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं अपना विनर पिक करूँगा सेथ रॉलिंस एंड वो हरा देंगे द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर को, स्टिल रहेंगे WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल मैच की तरफ जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं WWE क्राउन ज्वेल का मेन इवेंट शो जो कि होने वाला है द ट्राइबल चीफ एंड हेड ऑफ द टेबल द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन
रोमन रेंज वर्सेज एले नाइट के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप मैच। तो यहाँ पर द ट्राइबल चीफ एंड हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज को अपना टाइटल डिफेंड करना है एले नाइट के खिलाफ। जैसे कि आपको पता है कि जब भी रोमन रेंज ने रिटर्न किया था तो जॉन सीना ने कहा था कि तुम्हें चैलेंज करेगा एले नाइट और यहाँ पर इनका मैच होने वाला है WWE क्राउन जॉल में। तो यहाँ पर देखने को तो मजा आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारे AJ स्टाइल के साथ थे कि AJ स्टाइल का मैच हो सकता है, लेकिन हुआ LA नाइट का मैच रोमन रेंस के साथ। उनकी ब्लड लाइन है तो यहाँ पर LA नाइट के साथ जॉन सीना है और जे उसो भी हो सकता है। देखो मैच काफी तगड़ा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर शो का मेन इवेंट रखा जा रहा था। यहाँ पर जरूर WWE ने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर ऐड की होगी, जैसे कि ब्लड लाइन या फिर हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। देखो रोमन रेंस को यहाँ पर 1000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, एक तरह से 1300 दिन से भी ज्यादा चैंपियनशिप उन्होंने अपने पास रखी हुई है। मतलब रोमन रेंस को अभी तक कोई हरा नहीं पाया, स्टिल अभी वो यूनिवर्सल चैंपियन ही है। और दूसरी तरफ एले नाइट जो कि एक उभरते हुए WWE सुपरस्टार है जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रही है एज अ फेस, लेकिन हील तो पसंद नहीं करती, लेकिन एज अ फेस ये काफी ज्यादा पसंद कर रही है उन्हें। WWE का फ्यूचर है एले नाइट एंड यहाँ पर रोमन रेंस तो ऑलरेडी WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार बन चुके हैं। तो देखो ये मैच काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, देखने को मजा आएगा। लेकिन बात कर जाए इस मैच के विनर की, तो यहाँ पर विनर मैं आपको बता दूं वो रहेंगे तो ट्राइबल चीफ एंड द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, एंड वो हरा देंगे LA नाइट को। एंड यहाँ पर स्टिल रहेंगे हमारे द ट्राइबल चीफ एंड हाइड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, एंड स्टिल अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे WWE क्राउन जॉल में, वो हरा देंगे LA नाइट को। लेकिन यहाँ पर WWE यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होते हुए नजर आ सकती है। ये तो WWE पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग चीजें ऐड किया, अगर मेन इवेंट में रखा है तो देखने को तो मजा आएगा। एंड मेरा विनर है द ट्राइबल चीफ एंड हाइड ऑफ द टेबल रोमन रेंस, एंड वो हरा देंगे LA नाइट को। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शंस, तो ये थी हमारी WWE क्राउन जॉल 2023 की प्रेडिक्शंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, तो कहीं मत जाना, साथ ही साथ कमेंट करके आपके प्रेडिक्शंस जरूर बताना कि इनमें से कौन जीतेगा, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं किसकी प्रेडिक्शंस सही आती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि अपडेट आपको मिलती रहेगी। एंड इंस्टाग्राम पर मुझसे फॉलो करके बातचीत कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक इतना ही, गुड बाय।